सो वेलकम टू सुमित लाला टेक सपोर्ट चैनल। मैं हूँ सुमित। मैं आज दिखाने वाला हूँ कैसे आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकाल सकते हो कोई भी पिक्चर को लेकर। और ये होगा फोटोशॉप 2021 का ट्यूटोरियल। आप दो फोटोशॉप 2021 में कैसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकाल सकते हो वो मैं दिखाऊंगा। क्रिएट कर सकते हो, निकाल सकते हो, जो भी कहो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे थंबनेल पहले ही देख चुके होंगे, तो आज देखते हैं ये वीडियो क्या है। तो यहाँ पर पहले तो पिक्चर जो है इस तरह सा आप देख सकते हो, ये DSLR से ही खींचा गया नॉर्मल सा पिक्चर है एकदम। तो ये पिक्चर को ओपन करना पड़ेगा। अगर पिक्चर रॉ फाइल में रहे उसको थोड़ा पोर्ट्रेट मोड पे ले लो, कलर एडजस्टमेंट कर लो तो बढ़िया रहेगा। कहीं कहीं पर डार्क आ जाता है, वो एडजस्टमेंट कर लो तो बढ़िया रहेगा। पिक्चर रॉ फाइल में अच्छा रहता है। तो आपका अगर नॉर्मल बेसिक से फ़ोन है तब भी चल जाएगा, कोई भी बात नहीं है। बस ब्राइटनेस ठीक ठाक कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो कॉर्नर वगैरह है, डिटेल्स वगैरह है, वो सब क्लियरली विजिबल होना चाहिए। क्योंकि हम फोटोशॉप जब इस्तेमाल करेंगे बेसिक चीज़ें ही इस्तेमाल करेंगे, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो यहाँ पर पिक्चर को पहले ब्राइटनेस सेटअप करना पड़ेगा, तब जाके आपको दिखाई देगा हर डिटेल्स। तो फोटोशॉप में भी दिखना ज़रूरी है, क्योंकि फोटोशॉप 2021 में जो ट्यूटोरियल में दिखा रहा हूँ वहाँ पर AI का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी AI फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पर लेयर ऑप्शन ज़्यादातर हमारे सामने रहता है, अगर नहीं है तो आप लेयर ऑप्शन को ओपन कर लीजिए। और यहाँ पर चैनल, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ लेयर में दिख जाएगा आपको। प्रॉपर्टीज़ में जाइए, प्रॉपर्टीज़ में जाके फ़ोटो को ऐसे ही रहने दो। अगर फ़ोटो लॉक रहे, साइड में लॉक रहे, तो लॉक के ऊपर एक क्लिक करते ही लॉक अनलॉक हो जाएगा। और तब जाके आप प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो रिमूव बैकग्राउंड का एक ऑप्शन दिखेगा नीचे, यहाँ पर जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। और नीचे सिलेक्ट सब्जेक्ट, आपको रिमूव बैकग्राउंड में एक क्लिक करना है। और ये ऑटोमेटिकली कुछ टाइम लेगा बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, ये आपके कंप्यूटर के CPU पावर के ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम ज़रूरी है। और AI के मदद से ये रिमूव कर देगा पूरा बैकग्राउंड जो कुछ भी है। ये बैकग्राउंड थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर DSLR से खींचा गया है। तो ये रहा, बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है अभी। तो यहाँ पर अब कितने साइज़ का हम पासपोर्ट साइज फ़ोटो क्रिएट करना चाहते हैं वो पहले हम क्रिएट करेंगे। साइज़ सिलेक्ट करेंगे सी दबा के, कीबोर्ड में सी दबाते ही ये सिलेक्शन हो जाएगा। और ऊपर एक बार दिखेगा रेशियो कितना कितना होगा, 2.5:3.5। तो यहाँ पर ऐसा ही सिलेक्शन हुआ है, तो थोड़ा बहुत हम इसे एडजस्ट कर लेंगे, जो कि रूल्स होता है पासपोर्ट साइज़ का। ये साइज़ एकदम ठीक ठाक रहेगा, या फिर इसे और भी थोड़ा छोटा कर सकते हैं, क्लोज़र लुक दे सकते हैं फेस को। तो यहाँ पर और भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो ये साइज़ एकदम ठीक ठाक रहेगा। अब हम इसके ऊपर एडिट करेंगे थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर जो पिक्चर है, मैं अभी इसको साइज़ टू साइज़ नहीं करूँगा, इमेज साइज़ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ज़रूर 300 रेजोल्यूशन होना चाहिए, अगर नहीं है तो 300 सिलेक्ट कर लो। और हाइट एंड वेट जो भी रहे वही रहने दो, थोड़ा बड़ा होगा। अगर आपके कंप्यूटर हैंडल नहीं कर पा रहा है तो इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो, इसका रेशियो थोड़ा 20 के जगह 10 कर सकते हो। तो जितना बड़ा रहेगा, आप अगर एडिट कर पाते हो, कंप्यूटर से एडिट कर पाते हो, तो उतना ही साइज़ रहने दो, तो एडिटिंग के लिए बहुत ही आसानी होगा। तो यहाँ पर देखिए कलर जो है, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कलर है एंड कंधे के नीचे यानी चेस्ट पे थोड़ा सा लाइट कलर है। तो हम कलर पहले एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम फोटोशॉप से बार्न टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर थोड़ा घिस देंगे। तो ये कलर एकदम बढ़िया तरीके से फील हो चुका है। तो ये कलर देख सकते हो डिटेल, कितना डार्क लग रहा था, डार्क लग रहा है,
पहले जो वाइट कलर का लग रहा था, और भी आप डार्क कर सकते हो तो ज़रूरी नहीं, इतना ही काफ़ी है। यहाँ पर हेयर को भी डार्कनेस की ज़रूरत है, हम हेयर के ऊपर भी बार्न टूल चलाएंगे। हेयर के ऊपर भी थोड़ा चला देंगे इस तरह से। तो इस तरह से छोटा मोटा एडिट तो करना ही पड़ता है। और यहाँ पर जो फेस है, फेस को हम सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ फेस को। यहाँ पर ज़रूर याद रखना, लेयर में जाने के बाद आपको इमेज सिलेक्ट करना है, ना ही ये मास्क, इमेज को सिलेक्ट करना है, तभी जाके ये काम बनेगा। तो ये फेस को पूरी तरीके से सिलेक्ट कर लिया है, कुछ बाल भी सिलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, उसे हम सिलेक्शन के बाहर कर देंगे। अभी ऑल्ट दबाते हुए सिलेक्शन के बाहर हो जाता है, ऑल्ट दबाते हुए आँखों को भी हम बाहर कर देंगे, और आईब्रो को भी हम कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा, आईब्रो को और आँखों को। और यहाँ पर मूंछ और लिप्स को भी हम बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे जो फोटो का डिटेल्स रहता है, बढ़िया लगता है जब ये कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर ठीक से सिलेक्शन करना पड़ता है, जितना ठीक से सिलेक्शन करोगे उतना ही अच्छा रहता है। तो अब हम सिलेक्ट कर लिया है, और ये जो गले का पास है, गले के पास है, इसे हम डिसलेक्ट कर देंगे, इस साइड को नहीं चाहिए। देखना सिलेक्शन बढ़िया तरीके से हो तो बढ़िया एडिटिंग रहता है। ओके, यहाँ पे सिर्फ फेस को सिलेक्ट करना है, गले को नहीं, ठीक है। तो ऐसे हम सिलेक्ट कर चुके हैं। तो अब हम जाएंगे फिल्टर में, फिल्टर में ब्लर ऑप्शन जो है, ब्लर ऑप्शन चूज़ करेंगे फोटोशॉप में, और एंड सरफेस ब्लर चूज़ करेंगे। ये बहुत ही अच्छा टूल है, यहाँ पर फेस का जो रिंकल्स है वो हम बहुत ही अच्छे से मेकअप कर सकते हैं, और स्किन क्वालिटी बढ़िया कर सकते हैं जितना ज़रूरी हो। मैं ज़्यादातर कर देता कि क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं दिखेगा, छोटा ही पासपोर्ट साइज़ होगा। तो यहाँ पर 20-20 करके मैंने रेडियस को 20 कर दिया है, एंड लेवल्स को भी 20 कर दिया है। तो ओके कर देते हैं अभी। तो हम डिसलेक्ट करेंगे, देखिए इसका फेस कितना अच्छा दिख रहा है, स्मूथ दिख रहा है, और पहले जो था बहुत ही बुरा था। तो हम थोड़ा वाइट कलर अप्लाई करेंगे इसके फेस के ऊपर, जहाँ जहाँ पर डार्क कलर दिख रहा है। और नाक के ऊपर थोड़ा डार्क दिख रहा है, तो यहाँ पर एक क्लिक कर देते हैं, ये आसानी से हो चुका है, और फेस बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। आँखों पर अगर हम छोटे डार्क इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से दिखेगा, वाइट कलर कहीं पर रहेगा कहीं पर नहीं रहेगा, ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं, आप थोड़ा और वाइट कर सकते हैं। अब बार्न टूल में फिर से जाना पड़ेगा, क्योंकि जो जो जगह मैंने ज़्यादातर वाइट कर दिया है उसको थोड़ा और डार्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आईब्रो को थोड़ा बहुत, और आई को थोड़ा डार्क कर दीजिए, फोटो अच्छे से दिखेगा। मूंछों को भी थोड़ा डार्क कर दीजिए, ये फोटो अच्छे से दिख रहा है। अभी इसका बैकग्राउंड जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे सॉलिड कलर चूज करके इस बटन से, सॉइल कलर। तो यहाँ पर ब्लू, स्काई ब्लू इस टाइप का कुछ बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे। तो ये मास्क के ऊपर यानी लेयर के ऊपर चला जाएगा, तो हम खींच के ड्रैग करके लेयर के नीचे ले आएंगे, तो इस तरह से दिखेगा। देखिए अभी भी काम बाकी है, फोटो का हम फिर से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो दिख रहा है बालों के आसपास जो बाल बिखरे हुए हैं, वहाँ पर हम थोड़ा इरेजर चलाएंगे। इरेजर का टूल देखिए, इसका हार्डनेस एकदम ज़ीरो रहेगा,
एंड साइज़ मैंने 86 सिलेक्ट किया है, फ़ोटो के साइज़ के ऊपर डिपेंड करके, ज़्यादा बड़ा ना हो तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चला देंगे जितना ज़रूरी हो सके, क्यों नेचुरली जो बाल है ऐसे ही रहना चाहिए। ओके तो ये रहा, फेस अच्छे से दिख रहा है, एकदम बढ़िया तरीके से पासपोर्ट रेडी हो चुका है। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल दबा के, फोटो एंड कलर को दोनों ही सिलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक करेंगे कलर फिल के ऊपर एंड मार्ज लेयर कर देंगे। लेयर मार्ज होते ही ऐसे दिख जाएगा और इसका साइज हम अभी सिलेक्ट करेंगे, इमेज में जाके इमेज साइज को चूज़ करेंगे एंड 2.5 बाई 3.5, हम जैसे कि विड देंगे 2.5, हाइट देंगे 3.5, ऐसे सेंटीमीटर को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर और एक डिटेल्स चेक करना, यहाँ पर और प्लस 2 दबा के आप प्रिजर्व डिटेल्स करोगे तो बढ़िया अच्छा रहेगा, बारबिक स्मूथर भी कर सकते हो और भी अच्छा दिखता है, कुछ कुछ फोटो में खड़ा भी आ जाता है, पर डिटेल्स जहाँ पर प्रिजर्व करना है डिटेल्स चाहिए आपको तो प्रिजर्व डिटेल्स ही बढ़िया रहता है। अगर फोटो का डिटेल्स अच्छा नहीं हो, कोई भी फोटो आए जो आप एडिट कर रहे हो उसका डिटेल्स अच्छा नहीं हो तो आप बारबिक स्मूथर सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर बारबिक शार्पर कभी मत सिलेक्ट करना फोटो के फोटो प्रिंट के दौरान। ओके तो यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे, प्रिजर्व डिटेल्स सिलेक्ट करके ओके करते हैं तो ये छोटा हो जाता है, तो इसको हम इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक एक करके फोटो लाइन बाय लाइन कर देंगे, चार इंच बाई छः इंच का न्यू एक क्रिएट करना पड़ेगा ब्लैंक पेज। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड, यहाँ बहुत सारे फ़ोटो मोड है, फ़ोटो में जाके हम जनरली करते हैं लैंडस्केप, 4:6 का जो लैंडस्केप है वहाँ पर जाके हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा भी ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ पहले ही, यहाँ पर इसलिए दिखा रहा है। पोर्ट्रेट मोड 4 इंच 4 इंटू 6 300 PPI का, तो हम क्रिएट करेंगे इस तरह से और इसे हम जैसे चाहे लैंडस्केप करके फ़ोटो को सजा के इस तरह से रख सकते हैं। तो फ़ोटो को सजाते कैसे मैं दिखा देता हूँ, इसको बॉर्डर भी दे सकते हो नहीं भी दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर फ़ोटो को हम ड्रैग करेंगे क्लिक करके सिलेक्शन टूल से जाके, और अनटाइटल जो टैब है अभी अभी ओपन किया है ब्लैंक, वहाँ पर जाके छोड़ देंगे, तो फ़ोटो छोड़ते ही कहीं पर अटक जाएगा, वहाँ से हम ड्रैग ड्रॉप करके हम सिलेक्ट करेंगे एंड सही जगह पे रख देंगे। तो ये दोनों फ़ोटो आ चुका है, जल्दी जल्दी करने के लिए इन दोनों को हम मार्च करेंगे लेयर में जाके एंड इसे ड्रैग करेंगे इस तरह से। देखिए फ़ोटो का 1153 mm स्पेस है दोनों फ़ोटो के बीच, हम इस तरह से करेंगे तो ये सही से कैलकुलेट होगा, दोनों ही 429 का परसेंटेज के हिसाब से गैप है, हम इसके गैप में भी एक फ़ोटो डालेंगे। ये देखिए 67 mm का गैप है, यहाँ पर भी 67 mm का गैप है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो कोई बात नहीं, आप ड्रैग ड्रॉप करके फिर से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर फ़ोटो को सब मार्च कर दीजिए, अगर आप कैनवास से प्रिंट कर रहे हो तो थोड़ा डार्क कलर के जगह वाइटनेस आ जाएगा, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस फोटो को मार्च करते ही इमेज में जाके एडजस्टमेंट लेयर में लेवल्स में जाके या फिर कंट्रोल एल दबा के आप यहाँ पर 0.8 या फिर 0.9 सिलेक्ट कर सकते हो, तो इसे थोड़ा डार्कनेस आ जाएगा और फोटो बिल्कुल जो आप चाहते हो वही कलर निकलेगा। तो ऐसे ही हम फोटो को प्रिंट कर सकते हैं और कोई भी प्रिंटर से हम कर सकते हैं, मेरा L20L1455 प्रिंटर जो वहाँ से भी मैंने फ़ोटो प्रिंट किया है, बढ़िया आता है। तो होप को ये 4:6 वाला जो मटेरियल है वो अच्छा लगा एंड हम और भी ज़्यादातर A4 या फिर 12:18 कोई भी फ़ोटो ऐसे ही प्रिंट आउट कर सकते हैं जितना चाहे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मुलाकात होगा, आज के लिए नहीं, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि मैं रोजाना टेक्निकल वीडियोस लाता रहता हूँ, वो सब आपको यूट्यूब में आते ही पहले देख लेना चाहिए।
गुड बाय एंड जय हिंद।